नमस्कार, सीएमएन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं कनिका। मध्य प्रदेश के रीवा की बात करते हैं, जहां नगर निगम प्रशासन में हुए फर्जी वाड़ा की परतें परत दर पर खुलने लगी हैं। एक कर्मचारी की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर उसके घर के 3 लोगों को नौकरी देने का मामला सामने आया है, जिसकी जाँच के आदेश भी हो चुके हैं। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निगम प्रशासन आयुक्त से मामले को लेकर जवाब मांगा है। असल में हमारे यहाँ एक सफाई कर्मचारी थे रामलाल, उनकी मृत्यु 2/1/1984 को हुई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी दुर्गाबाई ने एक आवेदन दिया कि हमारे मित्र की पति की मृत्यु हो गई है और ये मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसके जगह हमको अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाए। उनकी पत्नी की अनुकंपा नियुक्ति 29/9/1987 को हो गई। उनकी अनुकंपा नियुक्ति के पश्चात उनके पुत्र ने भी एक आवेदन दिया कि हमारे पति पिताजी की मृत्यु हो गई है और हमारी भी अनुकंपा नियुक्ति कर दी जाए। तो 26/10/1994 को उनके पुत्र की भी अनुकंपा नियुक्ति कर दी गई और 14/11/1994 को कार्यालय में हाजिर हो गए। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, उस पर 2 अनुकंपा नियुक्ति पहले हो गई। और जब बुद्ध सिंह की माँ दुर्गा देवी 31/7/2014 को रिटायर हुई, तो उसके पश्चात उसकी बहू और बुद्ध सिंह मेहतर की पत्नी रजनी, उसकी भी अनुकंपा नियुक्ति 27/10/2014 को कर दी गई। मतलब एक व्यक्ति की मृत्यु पे रीवा नगर निगम में 3 अनुकंपा नियुक्ति की गई। और जब बुद्ध सिंह मेहतर की पत्नी रजनी की अनुकंपा नियुक्ति की गई, उस समय कमिश्नर के प्रभार में हमारे यहाँ के जो कार्यपालन यंत्री थे शैलेंद्र शुक्ला, वो उसके प्रभारी थे। और इसकी जांच के लिए हमने लोकायुक्त ईओडब्ल्यू में भी दिया है। इसी प्रकार राजेश चतुर्वेदी एक ट्रेसर है, जिसको इन्होंने ड्राफ्टमैन बना दिया, जबकि ड्राफ्टमैन का पोस्ट टीके चाकू के बाद समाप्त हो चुका है, तो उन्होंने ड्राफ्टमैन बना दिया। वो भी कार्य शैलेंद्र शुक्ला जब कार प्रभारी आयुक्त के चार्ज में थे, तभी उनके द्वारा किया गया। अभी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई? अभी तक मेरे शिकायत पर इसलिए कार्रवाई नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रशासन में ये आयुक्त आरपी सिंह, शैलेंद्र शुक्ला, ये सब लोग काबिज थे। अगर ये जांच होती तो इस पर ये सीधे आँच इनके ऊपर आती और इन्हीं के ऊपर गाज भी गिरती, तो उसको इन्होंने दबाने के लिए ऊपर मैनेजमेंट किया। मेरे जानकारी के अनुसार जब हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी बने, तो हम लोगों ने जो शिकायत दी है वो नगरीय प्रशासन के कार्यालय में वो आ चुकी है और दोनों की शिकायतों पे जांच लंबित है। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो इनकी शिकायतें हुई हैं इस पे कार्रवाई होगी। ठीक है सर, ये नगर निगम में रामलाल स्वीपर की मौत के बाद एक नियुक्ति का मामला आया है कि परिवार के 3 लोगों को नियुक्ति मिली है, तो सर इसमें अभी शिकायत के बाद क्या कार्रवाई की, अब क्या सर कारण था इस तरह से नियुक्ति देने का? सर देखिए, इसमें कुछ कार्यवाही पूर्व में हुई थी, ये तथ्य भी मुझे एक पत्र मुझे जिला प्रशासन से भी मिला था और अभी तक चूँकि मैं उस नस्ती का अवलोकन नहीं किया हूँ, उसके बारे में मेरे पास अभी कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। लेकिन यदि यह सही है और उसमें गड़बड़ी की गई है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच करके जो है मतलब प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। शासन से भी कुछ पत्र आया है ऐसी जानकारी? नहीं, ये पत्र तो अभी मैं मुझे मेरे समक्ष नहीं आया। एक पत्र जरूर मैं देखा था जिसमें हमसे ये पूछा गया था, बहुत बड़ा रिमाइंडर उसमें का उल्लेख भी था, कई पत्र उसके पूर्व में आ चुके थे। मैं उस फाइल को अभी चूँकि शायद मैं कल ही मेरे सामने से गुजरा है, तो मैं उस फाइल को प्रस्तुत करने के लिए वो कर दिया हूँ, वो फाइल मैं देख करके फिर संक्षिप्त कर रहा हूँ। बहरहाल अब देखना ये होगा कि मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।